हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, इस वीडियो पर, जो हमारा जो प्यारा सा चैनल है रैंकर्स विला, उस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं चेतन, आपका दोस्त, चैनल होस्ट। और तो सबसे पहले तो मैं यार माफ़ी चाहूँगा आपसे, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। आज मैं आपका लाइव सेशन ले नहीं पाया, किन्हीं कारणों की वजह से मुझे क्या करना पड़ा, अपना पोस्टपोन करना पड़ा और उसकी वजह से हमारा कैंसिल ही करना पड़ा एक तरह से। ये तो मैं रिकॉर्डेड बना रहा हूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन गाइस देखिए, आपको अपनी तैयारी में रुकावट नहीं डालनी है, ये सारी चीज़ें होती रहती है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज मैं आपका लाइव सेशन नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी चाहूँगा। तो बस ये रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, आप शाम शाम को आज तभी मुझे जब टाइम मिला तो तभी मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आएगी इन 5 दिनों में, ठीक है। वैसे तो आपकी तैयारी, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। बस यही आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि आप अच्छे से अपना एग्जाम दो और एग्जाम में फोड़ गया हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस देखिए, अपनी वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। पहले ही हमने बहुत सारा टाइम खराब कर दिया, आज लाइव सेशन नहीं हो पाया। तो मैं हूँ चेतन और आप देख रहे रैंकर्स विला। और तो हमारा तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। फालतू की बातें हम सबसे लास्ट में करेंगे वीडियो के। तो देखिए गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा गाइस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन है, किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, किसान दिवस कब मनाया जाता है गाइस। देखिए किसान दिवस, मैं आपको बता दूं, किसान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है गाइस आपका सी, इसका आंसर जो है सी है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसका भी एक लॉजिक है, 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनका मतलब उनका जन्मदिन है, उनकी जन्मदिन की उसमें इसको किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के बर्थडे को। और ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्हीं के नाम पर मतलब इसका नामकरण हुआ था। तो इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि देखिए चौधरी चरण सिंह के नाम से रिलेटेड है ना, तो हो सकता है। और आजकल तो किसानों का इतना ज़्यादा वो चला हुआ है, तो उस इस करके भी ये आ सकता है गाइस, ठीक है। तो चलिए अगले अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है। भारत में लाख पर कहाँ पर रिसर्च होती है, ठीक है। लाख पर आपको बताओ, लाख इंसेक्ट होता है, ठीक है। लाख मतलब एक तरह से ये जैसे कि एक सिल्क होता है ना, तो ऐसे ही बहुत लाख भी होता है, ठीक है। तो लाख में इंडिया में मतलब कहाँ पर होती है, मेन जो रिसर्च होती है वो कहाँ पर होती है गाइस। देखिए मैं आपको बता दूँ, इसका जो आंसर है वो है ए है, लखनऊ में लाख पर रिसर्च होती है, लखनऊ में लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और लखनऊ तो गाइस काफ़ी और सारी चीज़ों के लिए भी काफ़ी फेमस है। लखनऊ में क्या है, इंडियन बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर बोटैनिकल मतलब बोटैनिकल के ऊपर रिसर्च होती है, बोटैनिकल उसके ऊपर, ठीक है। इंडियन बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बोटैनिकल गार्डन्स आपने देखे होंगे। और भी सारी चीज़ें काफ़ी मतलब जैसे कि लखनऊ में और सारी चीज़ें हैं, साइंस से रिलेटेड बहुत सारी है। वहाँ पर एक फेमस बिरबल सहनी, जो हमारे बहुत सारे पेलेंटोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, उनके नाम पर बिरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी गाइड स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, ठीक है। तो उसका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे ये एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए याद कर सकते हो, ठीक है। लखनऊ में काफ़ी और सारी चीज़ें भी मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि लखनऊ में है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अपनी अगली अगले वाले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं आप स्क्रीन पर, ये रहा देखिए अगला क्वेश्चन, वो है लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। आज देखिए कपास का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो गाइज आपको बता दूं, जो कपास का उत्पादन होता है भारत में, वो सबसे ज़्यादा गाइज आपका गुजरात में होता है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद किया था क्योंकि देखिए सूरत कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। सूरत गुजरात में हो गया, और सूरत में देखिए आपको पता होगा एक मतलब शायद कोई सबसे पहली वहीं पे मिल लगी थी ना कपड़े वाली, शायद आई थिंक जहाँ तक मेरा आइडिया, ठीक है। जैसे कि आपने 8th क्लास में पढ़ा भी होगा। तो जो गाइस इसका जो आंसर है वो है बी है, गुजरात में इसका जो इसका राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा कॉटन वहीं प्रोड्यूस करता है गुजरात। अगले वाला क्वेश्चन है गाइस, NDRI इज सिचुएटेड एट, भाई हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है यार, अब तो बता दो। NDRI की फुल फॉर्म आपको क्या करनी है, आपको जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आपको बतानी है NDRI की फुल फॉर्म क्या है। मैं नहीं बताऊंगा देखिए, ठीक है। अभी मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको NDRI की फुल फॉर्म पता होगी, ठीक है। तो NDRI गाइज आपका करनाल में है, ठीक है, करनाल में NDRI है। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, ठीक है, आप वहाँ पर रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बता दी अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फिर भी नहीं पता तो गूगल करके बताना, पता आपको ही है, ठीक है।
अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं अगले सीरीज में आपको बता ही दूंगा, ठीक है। अगली हदाइज वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। वाह भाई इतना अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट, आई थिंक हाँ फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है गाइस। देखिए देखिए, तो इनमें से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो है गाइस जिंक है, ठीक है। इसका आंसर जो है डी है, और सारे सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है गाइस उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, वो आपको याद करनी पड़ेगी ही। कैसे याद करो आप, ठीक है, ट्रिक लगा के करो, जुगाड़ लगा के करो, कैसे भी करो आपको वो ट्रिक, मतलब ट्रिक से कैसे भी याद करके आपको वो करनी है याद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी है, और तीनों के तीनों देख सकते हो आप यहाँ पर, कार्बन, कैल्शियम और सल्फर, ये सारे सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट की मैं एक लिस्ट बता देता हूँ आपको, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, CHO से याद किया है मैंने, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है, और NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है। ये सारे के सारे ये क्या होते हैं, कितने हो गए आपके, तीन 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 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए, ठीक है, और बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। तो ये भी देखिए, इस सीरीज का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें मैं क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, क्वेश्चन के साथ तो आपको एडिशनल नॉलेज भी दूंगा, जो कि आप अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी हमें। उसके बाद है, सीड एक्ट कम इनटू फोर्स थ्रू आउट इंडिया। सीड एक्ट कब, मतलब कब इंडिया में वो किया गया इसका, ठीक है, सारे इंडिया में लागू किया गया, कब कब हुआ ये सीड एक्ट, आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी मतलब आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आपको तो सन तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है सी है, 1969 में सीड एक्ट आया था इंडिया में, ठीक है। अगला है गाइस, अगला देख सकते हो आप यहाँ पर, PH फॉर टोबैको प्रोडक्शन इज, टोबैको प्रोडक्शन के लिए कौन सी पीएच सबसे अच्छी रहती है गाइस। थी टोबैको प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी जो पीएच रहती है वो रहती है 5 से 6 के बीच में, ठीक है, यानी कि थोड़ी स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, क्योंकि देखिए 7 तो क्या होती है, नेट न्यूट्रल पीएच होती है, ठीक है, 5 से 6 हम बोल सकते हैं कि थोड़ा न्यूट्रल से थोड़ा एसिड, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी एसिडिक, ठीक है, पीएच फॉर टोबैको, टोबैको प्रोडक्शन के लिए इसकी। और पीएच की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, ठीक है, नेगेटिव लोगो हाइड्रोक्सिल आयन इसको बोलते हैं पीएच, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, सोयल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है वो है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, वाह भाई वाह बहुत आसान क्वेश्चन, राइस पर भाई कहाँ पर होती है, सेंट्रल रिसर्च कहाँ पर होती है, राइस पर, सेंट्रल राइस किधर किधर है, मतलब आपको ये बताना है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है गाइस। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट गाइस जो है वो है आपका कटक में है, ठीक है, कटक कहाँ पर है भाई, उड़ीसा में है, ठीक है, यहाँ पर आपकी राइस के ऊपर क्या होती है, रिसर्च होती है। और दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लो, दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लो गाइस, कमेंट बॉक्स में क्या क्या करना आपको, पहला दूसरा ऐसे करके कमेंट बॉक्स में करना है, और अपना स्कोर शेयर करना है, कितना आपका स्कोर बना, ठीक है, ईमानदारी से टेस्ट देना ही है, ठीक है, बेशक लाइव नहीं हो लेकिन टेस्ट तो जरूर है ना आपका, ठीक है। इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये तो हो गया आपका इंडिया में, इंडिया में तो कटक में है, ठीक है, विश्व में कहाँ पे है भाई, क्वेश्चन तो वहाँ से आएगा, ठीक है, इंडिया का तो सबको पता होता है, दुनिया में कहाँ पे है, दुनिया में आपको बताना है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, आपको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा मैंने, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, इसका जो आंसर है वो है बी है, कटक में है। अगला है, सोयल हेल्थ कार्ड इज लॉन्च्ड ऑन, वाह भाई फिर से डेट वाला क्वेश्चन, ठीक है, सोयल हेल्थ कार्ड कब लॉन्च किया था भाई भारत सरकार ने, बता सकते हो आप कब लॉन्च किया था सोयल हेल्थ कार्ड। सोयल हेल्थ कार्ड गाइस आपको पता हो 2015 में लॉन्च हुआ था, 17 फरवरी को ये लॉन्च किया था सरकार ने सोयल हेल्थ कार्ड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन जहाँ भी आप देख रहे हो, लैपटॉप की स्क्रीन, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन जब भी आप देख रहे हो या आप सुन रहे हो, ठीक है। तो अगला जो आंसर है वो, मतलब जो क्वेश्चन है, आंसर तो नहीं है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या पूछ रखा आपसे, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, तभी तक आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। गले को मिली भाई राहत सी थोड़ी, वरना गला सूख जाता है यार, ठीक है। तो वाइंड कर दिया गई, इन लेग्यूम विच बायो फर्टिलाइजर इज यूज, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स आपको पता होगा, इसमें ज़्यादातर क्या आती है आपके, दालें आती है, दलहन की फसलें,
उसमें कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायो फर्टिलाइजर किस बला का नाम है, ठीक है? देखिए, बायो फर्टिलाइजर वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम खेत में डालते हैं, ठीक है, ताकि केमिकल का यूज कम से कम हो, ठीक है? क्योंकि जैसे कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम क्या यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं, लेकिन वो तो केमिकल है, ठीक है? तो इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज होता है खासकर लेग्यूनस प्लांट में? तो जो लेग्यूनस प्लांट में गाइस जो बायो फर्टिलाइजर यूज होता है वो होता है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या होता है, वो एनएरोब होता है और क्या करता है, वो रूट में नोड्यूल्स बना देता है, रूट में गांठें बना देता है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। लेग्यूम्स में बायो फर्टिलाइजर के थ्रू ये यूज किया जाता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, VAM की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं गाइस। देखिए, देखता हूँ कितने बच्चों को बताओगे। VAM की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ठीक है? VAM क्या है भाई, ठीक है? एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम, ये क्या है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ठीक है? ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन ये बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है? राइजोबियम मेनली लेग्यूमिनस में यूज किया जाता है, क्योंकि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहता है प्लांट्स में, ठीक है? ये मैंने काफी हाई लेवल की बातें बता दी आपको, ठीक है? अगला है, पॉपुलर इज प्लांटेड इन मंथ ऑफ। वाह भाई, पॉपुलर कब प्लांट किया जाता है भाई? पॉपुलर की फसल आपने देखा होगा खेतों में, पॉपुलर के बड़े बड़े पेड़ वहाँ पर उगाए जाते हैं, वो किस लिए यूज किए, मतलब कौन से महीने में वो बोए जाते हैं, कब वहाँ पर प्लांट किया जाता है, गाइस बता सकते हो आप यहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ, जनवरी फरवरी के महीने में पॉपुलर को प्लांट किया जाता है, ठीक है? जनवरी फरवरी के मंथ में आपको पॉपुलर को, पॉपुलर क्या है गाइस, आप सभी को पता है पॉपुलर का प्लांट किस लिए हम यूज करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी तक तो आपको सारी चीजें पता होगी, ठीक है? अगला गाइस, अगला यूज करते हैं हम, ओहो, वीड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया भाई, वीड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा तो। ओरोबैंकी क्या है भाई? ओरोबैंकी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वीड किसका है, ठीक है? वीड बताना आपको सबसे पहले किसका है। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, ठीक है? और बी ही इसका राइट आंसर है, वो तो मैं थोड़ा मजाक के लिए बोल देता हूँ, ठीक है? गलत आपको कुछ नहीं बताऊंगा गाइज, अगर कोई गलत हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, मैं तभी उसका राइट कर दूंगा। वैसे तो मैं कुछ गलत बताता ही नहीं जहाँ तक मेरे उसका सवाल है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर वो है टोटल रूट पैरासाइट है। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन आपके लिए रहा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ओरोबैंकी भाई किस चीज़ का वीड है ये बताओ, वीड तो पता लग गया आपको क्या है, टोटल रूट पैरासाइट है, ये बता रहे भाई ये किसका वीड है, ठीक है? वीड तो पता लग गया, अब बता देंगे किसका वीड है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है? आगे है, 1 एकड़ इज इक्वल टू, भाई 1 एकड़ कितने के इक्वल होता है भाई ये बताओ, 1 एकड़ कितने के इक्वल होता है? एक किला बोल सकते हो आप, ठीक है? हरियाणवी में एक, जो एक खेत में हम हरियाणवी में बोलते हैं एक किला भाई, एक कितने किले खेत है भाई तेरा है? तो भाई हरियाणवी को यार बहुत देता हूँ, लेकिन वीडियो में यूज नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो को सारे बच्चे देख रहे होंगे, शहर वाले भी और गांव वाले भी, ठीक है? एग्रीकल्चर में तो गांव वालों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन शहर वाले भी किसी से कम नहीं है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाइस बी है, इसका 4,000 स्क्वायर मीटर का एक किला माना जाता है, 1 एकड़ माना जाता है, और 1 हेक्टेयर होता है गाइस वो होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है 1,000, ठीक है? तो इसका राइट आंसर वो है बी है, 4,000 स्क्वायर मीटर। अगला है गाइस, देखिए, क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप इज नोन है, फोडर क्रॉप की क्वीन किसको बोलते हैं भाई? फोडर क्रॉप होती है उसकी रानी किसको बोलते हैं बताइए, उसकी रानी किसको बोलते हैं भाई बता सकते हो आप? तो आई थिंक आपको पता ही होगा फोडर क्रॉप की रानी किसको बोलते हैं। कुछ लोग इसमें बरसिम लगाएंगे, लेकिन आपके काइंड इंस्पिरेशन के बता दूं कि बरसिम इसका सही उत्तर नहीं है, आपका जो इसका सही उत्तर है वो है ल्यूसर्न। जी हाँ, ल्यूसर्न एक घास की तरह होती है, ठीक है? ल्यूसर्न आपके घोड़ों को डाली जाती है, ठीक है? घोड़ों के लिए होती है ल्यूसर्न, और इसी को फोडर क्रॉप बोलते हैं, ये फाउडर क्रॉप है, ठीक है? ये भी चारा चारा वाली चारागाह की फसलें हैं, ठीक है? अगला है, टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज फॉर, टेट्राजोलियम टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है भाई बताइए भाई, टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है गाइस, आपको बता देता हूँ मैं, सॉरी, सीड वायबिलिटी, ठीक है? सीड वायबल है या नहीं है, सीड में यानी कि सीड नया प्लांट बना पाएगा या नहीं बनाएगा, उसके लिए टेट्राजोलियम टेस्ट यूज किया जाता है। ये गाइस क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ ना, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ ना, और बच्चे इसको ना
मतलब कई बार ऐसा करते हैं कि गलत करके आते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन गाइस, ठीक है। ये टाटाजोलियम टाइटाजो की यूज़ किया जाता है शीट वायबिलिटी के लिए। अगला है गाइस वो है प्योरेस्ट शीट क्लास। इनमें से आपको प्योरेस्ट शीट क्लास बतानी है कौन सी है, इनमें से कौन सी एक ऐसी क्लास है शीट की जो कि सबसे प्योर होती है। तो आई थिंक जो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियस सीड होते हैं, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होती है सीड की, ठीक है। सर्टिफाइड सीड आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस सीड होता है जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, लेकिन हम ज़्यादातर जो किसान यूज़ करते हैं वो सर्टिफाइड सीड यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है वो है जिंक सल्फेट में भाई कितने परसेंट सल्फेट, मतलब जो जिंक सल्फेट होता है कितने परसेंट होता है उसमें सल्फर, सल्फेट कितने परसेंट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच सल्फेट जिंक सल्फेट कंटेन हाउ मच परसेंटेज ऑफ सल्फेट, ठीक है। तो बता सकते हो आप, बता सकते हो तो जल्दी बता दो भाई। इसका जो राइट आंसर है मैं आपको दे देता हूँ, 36% पाया जाता है। और भाई देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज़ देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे तो वही यूज आएंगे, देखते रहिए। मैं मजाक कर लेता हूँ कई बार वीडियो। आप इस वीडियो को गाइस देख सकते हो हमारा जो फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है, फेसबुक पेज रैंकस विला, आप सामने देख रहे होगे आईडी है फेसबुक की हमारी, वहाँ पर भी इस वीडियो को आप देख सकते हो। और अभी हमने एक नया अकाउंट बनाया है हमारा इंस्टाग्राम का, कोचिंग एग्री के नाम से गाइस, ठीक है। वहाँ पर भी ये वीडियो मतलब लाइव तो नहीं है लेकिन अपलोड कर दी जाएगी इंस्टाग्राम पर भी। तो प्लीज़ अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो, देखिए मैं आपको ना पहले तो एक बात बताता हूँ कि सोशल मीडिया वैसे तो इतना स्टूडेंट लाइफ में तो वैसे चलाना नहीं चाहिए क्योंकि डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप चलाते हो एक मतलब एक लेवल तक आप मतलब क्या होता है यार, देखो कंट्रोल करना होता है पहली बात तो, ठीक है। अगर आप चलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, चलाओ यार, मतलब ऐसे चलाने की चीज़ें हैं लेकिन अच्छी चीज़ के लिए चलाओ ना। अब जैसे मैंने बता दिया भाई कोचिंग एग्री पर मैं स्टडी मटेरियल डालता हूँ, ठीक है, कोचिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो उसमें क्या आपका फ़ायदा ही है ना, ठीक है। फेसबुक पर फेसबुक चलाते हो आप, ठीक है, बजाय आप चैटिंग करने के, बजाय आप मतलब दूसरे को जैसे घंटों घंटों ऐसे स्क्रॉल करते रहो, फोटो लाइक करते रहो, ठीक है, लाइक करो आपका, मैं मानता हूँ कि आपके फ्रेंड है, लेकिन यार इतना भी टाइम मत खराब करो कि उनके पीछे अपना करियर खराब कर लो, ठीक है। फेसबुक का यूज़ करो, अच्छे तरीके से यूज़ करो, उस पर बड़े अच्छे अच्छे ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक पर, बड़े अच्छे अच्छे आपके पेज हैं फेसबुक पर, जहाँ पर अच्छा अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है, ठीक है, टेस्ट मिल सकते हैं। और ऐसा ही हमारा जो ये पेज है रैंकर्स विला करके है, उसको भी आप प्लीज़ लाइक कर देना, काफ़ी अच्छे और बहुत सारे लोगों ने लाइक किया हुआ, आप भी कर सकते हो। और कोचिंग अग्री को फॉलो जरूर कर लेना अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो, ठीक है, वरना नहीं चलाते तो मत करो भाई, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो मेरी वीडियो। और जो हमारा टेलीग्राम का जो, और तो गाइस देखिए इस ये जो सेशन है इसका जो पीडीएफ आपको मिलने वाला है, वो आपको आपको फेसबुक का जो हमारा पेज है उस पर आपको इसका मैं जो लिंक इसका डाल दूंगा, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन है, ताकि आप दो बार बार इनको दोहरा सको क्वेश्चनों को। और टेलीग्राम का तो इसलिए बनाया है क्योंकि आजकल टेलीग्राम पर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कि वहाँ पर क्या होता है, तो आप चैट कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, सभी के लिए खुला प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम। और मैंने भी ये ग्रुप बनाया है रैंकर्स विला करके जो आईडी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये यार ये नीचे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, रैंकर्स नीचे जो ये लाइन है उसके बाद विला, ठीक है, तो ये आईडी है आपकी, ठीक है। और तो चलिए भाई, ये आप सामने देख रहे होगे रेडियो का साइन आपको बना दिख रहा है ना, ये क्या है, ये खबरी ऐप है गाइस, ठीक है, ये एक तरह से रेडियो ऐप है, आप ईयरफोन लगाकर कुछ भी सुन सकते हो, पढ़ाई की चीज़ें सुन सकते हो, ठीक है, मोटिवेशन सुन सकते हो। तो मैंने भी सोचा कि इसके ऊपर कोई ना कोई अकाउंट बनाया जाए, बच्चों की हेल्प की जाए, यहाँ पर भी मैं थोड़े बहुत ऑडियो रिलेटेड डालता रहता हूँ, एग्रीकल्चर रिलेटेड, जब भी मेरे को टाइम मिलता है दिन में, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, वरना नहीं तो आप यूट्यूब पर तो मेरी वीडियो देख ही रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं आज, काफ़ी प्रमोशन कर दिया मैंने, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी प्रमोशन के साथ, हम मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल लेबोरेटरी फॉर एजी मार्क इज सिचुएटेड एट, वाह भाई वाह, व्हाट अ मस्त क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा गाइस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। एजी मार्क आपने देखा होगा, एग मार्क भी बोलते हैं जिसको, कई सारी चीज़ों पर एग मार्क होता है, ठीक है, तो ये आपका उसी से हो गया, जैसे कि इसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उससे रिलेटेड ये आपको क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है जनाब, इसका राइट आंसर वो है नागपुर में है लेबोरेटरी है एजी मार्क की, सेंट्रल लेबोरेटरी नागपुर में है। और इसी के साथ अब हम खत्म करने वाली अपनी वीडियो का, दो ही क्वेश्चन रह गए, वो है क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड वरेस्ट वीड, भाई सबसे दुनिया का सबसे मतलब गंदा वीड कौन सा है, वर्ल्ड वरेस्ट वीड,
तो आई थिंक यार ये क्वेश्चन तो आपका आता ही होगा भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे कोई हेल्प नहीं करूंगा मैं आपकी, कोई मैं आपको कोई इसमें हिंट नहीं दूंगा। सभी को पता है साइप्रस रोटेंडस इसका जो है वो है वर्ल्ड का वरेस्ट वीट माना जाता है, साइप्रस रोटेंडस, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है देखिए, पार्थेनियम किसको बोलते हैं, देखिए पार्थेनियम। हाँ अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला कितने क्वेश्चन हो गए, पांचवा क्वेश्चन है ना शायद, ये जितने भी हो मतलब आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में आंसर देना। पार्थेनियम, पार्थेनियम का दूसरा नाम बताना भाई आपको, ठीक है। फ्लैरिस माइनर को क्या बोलते हैं आपको सभी को पता होगा, ठीक है। मंडोसी भी बोलते हैं फ्लैरिस माइनर को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है सोइंग टाइम फॉर मस्टर्ड इज, मस्टर्ड के लिए सोइंग टाइम क्या है भाई बता सकते हो आप, मस्टर्ड के लिए व्हाट इज द सोइंग टाइम फॉर मस्टर्ड। देख कितनी होगी वीडियो, वीडियो अभी काफी लंबी जाएगी अपनी, ठीक है। तो बताओ भाई जल्दी से मेरे एग्रीकल्चर के बच्चों, मस्टर्ड के लिए हो भाई, खत्म हो गया भाई अपना तो आज डाटा। ओके 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 भाई मान गया भाई तेरी बात, अब मान भी जा, जितने ऐसे कर रहा मेरे को उतने ये नहीं मानने वाला भाई। सोइंग टाइम फॉर मस्टर्ड बताइए जल्दी जल्दी क्या है, सोइंग टाइम फॉर मस्टर्ड। मस्टर्ड का जो सोइंग टाइम है वो आएगा आपका अक्टूबर है, ठीक है। अक्टूबर है जो कि सोइंग टाइम है मस्टर्ड के लिए। तो आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी गाइज हमारी वीडियो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और तो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी गाइज वीडियो, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक जो आपको बोला हुआ है ना मैंने, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, क्या थम्स अप लाइक, और कमेंट करके बताना कि आपका कैसा स्कोर रहा। और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ना पांच, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। और प्लीज़ शेयर इज केयर, ठीक है। शेयर जरूर करना मत बोलना अपनी इस वीडियो को, ठीक है। शेयर क्या होती है, केयर होती है भाई अपनों की, ठीक है। अपनों दोस्तों को जितनों को भी जो जिन जो जिनके आपके रिलेटिव है सभी को शेयर करना मत बोलना। और तो बस अगली बार स्लाइड क्या, अगली बार थोड़ी प्रमोशन की स्लाइड है, ठीक है। यही है कि भाई आप हमें, तो मैं अपने आप को पहले तो हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत हो गया तो इससे कहाँ से होगा हाइड, यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो फेसबुक का जो पेज है मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप इसको लाइक कर सकते हो। 442 लोगों ने ऑलरेडी लाइक कर रखा है। रैंकर्स विला करके हमारा ये पेज है, एजुकेशन वेबसाइट, ठीक है। आप यहाँ पर वीडियोस भी देख सकते हो, आप यहाँ पर लाइक कर सकते हो पेज को, ठीक है। तो इसको ज़रूर लाइक करना। और आज को जो PDF है मैंने आपको बताया है, इसी जो हमारा ये पेज है यहाँ पर मैं इसका PDF है वो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो अगला है गाइस, देख सकते हो अगर आप ट्विटर भी चलाते हो तो आप ट्विटर हैंडल पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। काफ़ी बच्चे ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। रैंकर्स विला ये मेरी ID है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये ट्विटर, ट्विटर पर भी मैं, ट्विटर पर ये है जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका ट्वीट करना है तो मैं जल्दी ही ट्वीट कर देता हूँ, आप बच्चे समझ आते हैं, ये काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अगली है गाइज वो है इंस्टाग्राम, मैंने पहले ही बताया था आपको कोचिंग अगेरी के नाम से जो मैंने ID बनाई है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप उसको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो भाई आपकी मर्जी है, जहाँ कर जहाँ जो भी कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप बस ये सारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो आप हमारे फॉलो कर सकते हो। रैंकर्स विला आपके लिए हर जगह उपलब्ध है, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर पर भी, टेलीग्राम पर भी। तो प्लीज़ फॉलो ना हो और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलता हूँ आज आपसे लाइव सेशन में, देखता हूँ कल, आई होप कि कल हो पाए हमारा लाइव सेशन। अगर नहीं होगा तो प्लीज़ माइंड करने की जरूरत नहीं है, शाम को मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो मिलता हूँ आज, जुड़े रहिए रैंकर्स विला के साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू।